एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिल्ली की उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया। नौकरी देने और जिगोलो का काम करने के बदले पैसे देने के बहाने बनाते थे लोगों को अपनी ठगी का शिकार। हजारों युवाओं के साथ कर चुके थे वारदात को अंजाम। पुलिस लगातार पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कभी भी हो सकता है आपके साथ धोखा। जी हाँ, बाहरी उत्तरी दिल्ली की साइबर पुलिस ने दो ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो जिगोलो सर्विस उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दरअसल पुलिस के पास एक शिकायत मिली जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह कई दिनों से ऑनलाइन जॉब वेबसाइट जिगोलो का रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अलग अलग तरीके से 40,000 रुपए लिए गए और जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों द्वारा आनाकानी की जाने लगी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को इस बाबत शिकायत की, जहां पुलिस ने वेबसाइट एड्रेस के आधार पर जांच शुरू की, जिससे पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी जयपुर में छुपे हुए हैं, जहां से पुलिस ने कुलदीप और श्याम जोगी नाम के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें श्याम जोगी बीएड कर चुका है और लड़की की आवाज में बात करने में माहिर है। यह दोनों एक साथ पहले एक होटल में काम कर चुके हैं। वहीं से दोनों ने ऑनलाइन नौकरी ढूंढने वालों को ठगी का शिकार बनाने का आइडिया मिला और उन्होंने एक जिगोलो ऐप शुरू की, जिसमें शुरुआती दौर में उन्होंने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन 1500 रुपए और उसके बाद 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क कर दिया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि यह लोग इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं को अपना शिकार बनाते थे। पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क, उसके बाद एनआरआई लड़की के साथ डेटिंग चार्ज और फिर होटल में बुलाकर यह लोग मीटिंग कैंसिलेशन चार्ज कर लेते थे। अब तक की जांच के मुताबिक दोनों आरोपी अब तक करीब 4000 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं और करीब 1 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले यह दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने के बावजूद ही पुलिस के पास केवल एक ही शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट की है और अब पुलिस भी लोगों से यही अपील कर रही है कि किसी भी तरीके के मामले में वह पुलिस के पास आए और पुलिस उनकी सहायता करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल जिगोलो ऐप और ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके यह दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। डिटेल हमने प्रेस रिलीज में दी हुई, उन होटल्स में उन्होंने देखा एज ए रिसेप्शनिस्ट और एज ए रूम बॉय उन्होंने काम किया हुआ। देव सीन हाउ टू डू दिस जॉब। वेबसाइट का पेज कौन बनाता था, कैसे बनाते थे? वेबसाइट का पेज एक स्पेसिफिक बंदे ने बनाया है, उसकी भी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी। उसका जितना रोल है उसके हिसाब से उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। वेबसाइट का जो एड्रेस है, सर्वर है, वो भी इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, उससे भी हमने डिटेल लेके इसमें इन्वेस्टिगेशन। सर, सर इनका जो ठगी करते हैं सर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसको भी पता रहा होगा कि एक फेक मॉडल चला रहे हैं। हाँ, उसको भी हमने अरेस्ट वारंट में लगाया है, वो तो क्या कार्रवाई होगी उसको। सर जो पैसे ठगी करते थे तो उसमें क्या यूज, कहाँ यूज करते थे, कुछ वो उन्होंने बताया कुछ? इसमें कोई महिला भी कोई इसमें शामिल नहीं, महिला का एंगल अभी तक इसमें शामिल सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ पैसे का जो भी यूज कर रहे हैं 2018 से इन्होंने अपने अय्याशी में इस पैसे का यूज किया है, बाकी अकाउंट्स को हमने फ्रीज कर दिया है। कितनी स्टेट में सर इन्होंने लोगों को टारगेट किया? ये लगभग नॉर्दर्न इंडिया में ही इस चीज को कर रहे हैं। कुछ रिकवरी हुई है पैसे की या? हाँ, अकाउंट फ्रीज किए हैं अभी, उसको हमने डेबिट फ्रीज किया है, तो उसका भी डिटेल हम निकालेंगे कितना पैसा अभी अकाउंट्स के अंदर है। तो सर पूरे गैंग में दो ही लोग थे, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? नहीं, अभी तक 3 लोगों की आया है, एक तो जिसने वेबसाइट बनाई है और एक श्यामलाल और एक आपको नाम बताया कुलदीप सिंह। सर उसके लिए अगर प्रोफाइल बता पाए जिसने वेबसाइट बनाई, क्योंकि वो भी आपका आरोपी हुई है। अब वेबसाइट बनाया तो सर्टेनली ही इज ग्रेजुएट इन इसमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। 1500 पहले 1500 एंट्री फीस होती थी, फिर 2500 रुपए कर दी थी, तो कंप्लेनेंट थे उसने 40,000 रुपए दिए थे, तो इतना पैसा कंप्लेनेंट ने क्यों दिया और वो जो पैसे वापस मांग रहा था तो उसे किस तरीके का और लालच दिया? देखिए, इसमें 2500 तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, देन मसाज किट का चार्जेस हो गया, फिर आप जाएंगे तो आपको एक जिगोलो के रूप में आप जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि जैसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए मिलेंगे। 40% ही अपना पहले ही एडवांस मांग लेते हैं, फिर ये फाइल प्रोसेसिंग के लिए पैसा मांगते हैं। अगर आपने 2 बार आप गए तो उसका पैसा अलग से हो गया, फिर आपने बोला कि हमें नहीं करना है तो ठीक, आपका पैसा रिटर्न करने के लिए पैसा अलग से हो गया। सो व्हाटएवर अमाउंट यू कैन गिव बाय व्हाटएवर वे दे एक्सपेक्ट इट।
मतलब इन्होंने सिर्फ जगेलों बनाने के नाम पर या फिर नौकरी दिलाने के नाम पर चीट किया है या कभी इस तरीके की सर्विस जो है वो प्रोवाइड भी करी है? उसके आगे इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, लेकिन हमारे कंप्लेनेंट के साथ ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करने का मामला नहीं आया सामने। लेकिन इन्होंने लगभग 4,000 लोगों को चीट किया है, 200 आई कार्ड इनके पास से मिले हैं, तो वी विल सर्टेनली इन्वेस्टिगेट एवरी एस्पेक्ट दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। 4,000 में क्या किसी ने भी कंप्लेंट नहीं किया? नहीं, अभी तक हम इसकी डिटेल और निकालेंगे। सारे लोग ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, उनसे मैच करके हम डिटेल निकालेंगे। अगर किसी और ने भी कंप्लेंट किया तो वी विल कंबाइन इट और सेंड इट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। ठीक है सर, इसलिए दो कह रहे थे आप, दो